रही है आज मोमिया झालावाड़ से, जहाँ झालावाड़ में राड़ी के बालाजी रोड पचकोइया पर आए दिन बिजली के तार टूटकर गिर जाते हैं। इस हेतु कई मर्तबा संबंधित विभाग को पार्षद नीलम गुर्जर व प्रतिनिधि मुकेश गुर्जर द्वारा लिखित से समस्या से अवगत करवाने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। न ही विद्युत पोलों पर से पेड़ों की टहनियों की छुटाई की गई तथा न ही जगह जगह लगे हुए कट वाली केबल को चेंज किया गया। पार्षद नीलम ने बताया कि बरसात का समय नजदीक है और आए दिन लोगों को विद्युत समस्या से जूझना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश से ही तारों में आग लग जाती है और वो टूट कर मुख्य मार्ग पर गिर जाते हैं, जिस पर कई लोगों सहित जानवरों का आवागमन रहता है। ऐसे में बड़ा हादसा होने की संभावना है। कई मर्तबा शिकायत करने के बाद भी अभी तक विद्युत विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। पार्षद ने शिकायत को गंभीरता लेकर शीघ्र संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया है। पूर्व पार्षद सागर कश्यप ने भी डीपी ऊंचाई पर लगवाने हेतु विभाग को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग को आते समय रहते और बरसात से पूर्व इस कार्य को विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिए, ताकि समय रहते जन हानि और अनहोनी होने से बचा जा सके।